शादी हो गई फाइनली, उसके प्यार से द लव ऑफ हर लाइफ, अच्छी बात है। पर मेरी तो रूममेट थी यार, मुझे तो दुख हो रहा है, चली गई। विदीप के साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है हमेशा, वो है तो मुझे पता चला है कि व्हाट इज लव। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि लव क्या है, प्यार क्या है। पैरों से बोलते हैं ना, गिटार बजने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, वैसी फील मुझे आई थी। थोड़ा पहले की बात है, बट तब मुझे प्यार हुआ था। बातों से मिटेंगे कब तक हो जाना। जो भी चीजें किसी को भी अपने लाइफ में आई थिंक चाहिए होती, तो आई एम डैम श्योर, मतलब कभी कोई सेकंड थॉट्स कभी आए ही नहीं अभिदीप के बारे में, तो आई एम हैप्पी टुडे। फैमिली मेरी बहुत ही बहुत प्यारी, क्यूट फैमिली है मेरी। जॉली नेचर के पापा हैं मेरे, हमेशा अभिदीप से पहले मैंने हमेशा दिलाया किया है जिंदगी के डिसीजन पे। ही इज द बेस्ट, माय फर्स्ट लव, माय डैड। मम्मी बहुत ही प्यारी है मेरी, हमेशा फ्रेंड की तरह रही है। दादी है घर में, प्यारी दादी है। दो सिस्टर्स हैं मेरी, बड़ी सिस्टर है, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है उनके साथ, ऐसा रहा है मुझे जो भी प्रॉब्लम थी कभी भी मैंने उनके साथ हमेशा शेयर की है। महिमा काफ़ी बबली नेचर, मैंने अपने नेचर से ऑपोजिट अगर मेरे को साइड देखी है तो हमेशा मुझे उसमें वो साइड दिखती है। शिवांश तो कोई भी बात लगती है हमेशा हम ये बोलते हैं भाई मेरा ये काम कर दे, तो मुझे हमेशा ऐसी शिवांश की याद आती है। अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे उनके साथ भी मेरे पल रहे हैं और आगे भी रहेंगे, मैं तो आती ही रहूंगी। लाइफ पार्टनर कितना कॉमन वर्ड है, बट मेरे लिए नहीं है अभी। आज मैं दुल्हन बनी हूँ, फीलिंग्स थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी, बट अब मैं अंदर से काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं अब जा रही हूँ अपनी न्यू जर्नी के लिए, तो काफ़ी अच्छी फील कर रही हूँ। शहर में बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। काफी मिक्स फीलिंग्स होती है,
आप तभी एक्सपीरियंस कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फेस को, जब आपको खुद ही उस टाइम उसी मोमेंट में रहते हैं। आई एम फीलिंग लाइक मुझे जाना भी है और एक नए फेस के लिए आई एम हैप्पी टू। हमेशा से ये सपोर्ट किया है एक दूसरे का, कैसी भी साइड्स रही, कभी गुस्सा हुए तो भी, शाम को गुस्सा हुए तो अगले दिन हमें पता ही नहीं होता था कि हम क्यों गुस्सा है। थोड़ा हमारी ऐसी जर्नी रही। मुझे जाना भी है और एक नए फेस के लिए आई एम हैप्पी टू। अच्छा है, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि मैं कुछ छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मेरी अब एक से ज्यादा दो फैमिली हो गई एंड मैं विदाई पे मुझे पक्का पता है मैं रोने वाली हूँ। अभी पता है ना, बोलने की जरूरत नहीं है।